लोग आशा करते हैं ठीक ही होंगे गाइस। तो वेलकम टू बैक माय चैनल। अभी आप देख रहे हैं सलमान एडिटर। आज मैं गाइस आपको कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि काफ़ी वायरल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, रियलिस्टिक लुक लग रहा है गाइस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। हाँ गाइस, तो आप देख सकते हैं मैं पिकार्ट में आ गया हूँ और अपना बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ गाइस। तो अब मैं अपना जो PNG यूज़ करूँगा गाइस, तो चलते हैं PNG को यूज़ करने गाइस। हाँ गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो PNG यूज़ किया, एक पैरोट का PNG है, एक मेरा मतलब कि बैग क्लोथ का PNG है गाइस। तो मैं अपना पैरोट का PNG को यहाँ पे बिल्कुल सेट कर लूँगा। उसके बाद मैं अपना जो मेरा क्लोथ का PNG है जो गाइस, तो मैं उसको बिल्कुल हिसाब से सेट कर लूँगा और थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करूँगा, बिल्कुल जो सही डायरेक्शन से जो जैसे लगना चाहिए ना गाइस, कि ये जो पैरोट है मेरे कंधे पे आके बैठा हुआ है गाइस। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसको मैं यहाँ पे से सेव कर दूंगा, ठीक है गाइस। अब मैं यहाँ से सेव कर लिया, अब मैं अपना मॉडल को यूज़ करूँगा गाइस। तो चलते हैं मॉडल को यूज़ कर। हाँ गाइस, तो देख सकते हैं अपना मॉडल को यहाँ पे ले लिया है। अब मैं अपने मॉडल को पहले से कटआउट करके रख रखा था गाइस, तो इसलिए मैंने अपना मॉडल को यहाँ पे ले लिया है। और वही सेम प्रोसेस, यहाँ पहले मैं अपने मॉडल को यहाँ बिल्कुल सेट कर लूँगा सही डायरेक्शन में, थोड़ा सा और इसको जूम आउट करूँगा और भाई इरेजर टूल पे जाऊंगा। इरेजर टूल पे जाने के बाद इसको हार्डनेस को पूरा फुल जूम करूंगा और इसका भाई सेम प्रोसेस। और गाइस, ये मुझे अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक देना, भाई को प्यार देना। और हाँ गाइस, इसके अंदर जो भी मैं PNG वगैरह यूज़ करूँगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा और इसको जूम आउट करूँगा। जूम आउट करूँगा, इरेजर टूल पे सेम प्रोसेस, इरेजर टूल पे जाऊँगा और इसको इस पर क्लिक करूँगा और इसका जो है थोड़ा थोड़ा इसको बैक करूँगा। अब भाई सेम गाइस, हाँ गाइस, इसको जो भी सुकून से यूज़ करना है गाइस बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा अगर गड़बड़ होगा ना गाइस तो अच्छा नहीं लगेगा गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि सिर्फ होना चाहिए जो कि अच्छा लगना चाहिए गाइस। अब हो गया मेरा, अब मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और फिर से मैं कुछ PNG यूज़ करूँगा गाइस। तो चलते हैं PNG यूज़। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो PNG ले लिया, एक हेयर PNG एक रिबन PNG लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं हेयर PNG को यूज़ करूँगा गाइस। और हाँ गाइस, तो आपको बताते हैं कि अगर हेयर PNG यूज़ करना है तो बिल्कुल शकुन से करना है, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है। अगर हेयर आपको सही सेट लगा ना गाइस तो ऑटोमेटिक आपका लुक हार्ड लगेगा गाइस। तो वही सेम प्रोसेस, इरेजर पे जाऊँगा और इसका वही फुल आउट फुल जूम करूँगा और वही सेम कटआउट कर देंगे, आप देख सकते हैं। और वही सेम इसको अब पूरा हार्डनेस को पूरा जीरो कर दूंगा, 90 को इतना 50 पे कर दूंगा कम से कम। अब इस पे जाके हल्का हल्का मार देंगे गाइस, इसलिए मैं मार रहा हूँ क्योंकि पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा ये बाल ऐड किया गया गाइस में, तो इसलिए मैं मार रहा हूँ गाइस। तो अब देख सकते हैं, और अब इसको थोड़ा सा हेयर को हल्का सा, हाँ ये देख सकते हैं गाइस, अब मेरा ये हेयर ऐड हो गया है और मैं नेक्स्ट PNG ऐड करूँगा गाइस। तो देख सकते हैं ये रिबन है, मैंने इसलिए लग रहा है कि ये थोड़ा सा लगाने के बाद थोड़ा सा लुक बनता है गाइस, तो इसलिए मैंने सोचा कि लगा देता हूँ, देख सकते हैं। और बिल्कुल रिलैक्स से लगाना है गाइस, क्योंकि अगर ये चीज़ आपका सही सेट होगा ना गाइस तो आपको और बेटर लगेगा गाइस। हल्का जूम आउट, हल्का जूम करना है, देख सकते हैं। और भाई इरेजर पे जाऊंगा, सेम यहाँ पे थोड़ा सा जो ये निकला हुआ इसको मैं इरेज कर दूंगा गाइस। ये लिया मैंने इसका इरेज कर दिया, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे यहाँ से क्लिक कर लेना और यहाँ से सेव कर देना, मेरा हो गया काम। अब भाई सेम प्रोसेस, ड्रॉ पे जाऊंगा, ड्रॉ टूल पे जाऊंगा। और हाँ गाइस, इसके अंदर जो भी मैं PNG यूज़ करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। और मुझे फॉलो करना, मेरा इंस्टा ID भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ मैं तरह तरह का फोटो अपलोड करता हूँ इंस्टा पे, और वहाँ से जाकर कॉन्सेप्ट देख सकते हैं गाइस। तो चलते हैं, यहाँ पे मैं सेव कर लिया हूँ गाइस, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो भी करूँगा Lightroom बाबा में कर दूँगा। चलते भाई, लेट्स गो। तो हाँ गाइस, तो देख सकते हैं मैंने Lightroom बाबा में आ गए हैं। और सबसे पहले भाई ब्राइटनेस पे जाऊँगा, ब्राइटनेस पे जाके इसका हल्का ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर दूँगा और ये कंट्रास्ट को हल्का इंक्रीज़ करेंगे, हाईलाइट को हल्का से डिक्रीज़ करेंगे, शैडो को भी हल्का डिक्रीज़ करेंगे और वही वाइट को हल्का इंक्रीज़ करेंगे, ब्लैक को डिक्रीज़ करेंगे हल्का गाइस। अब मैं कलर के साथ छेड़छाड़ करूँगा, कलर पे जाके मिक्स पे जाऊँगा, मिक्स पे जाने के बाद इसको भी हल्का सा डिक्रीज़ करेंगे, इसको भी हल्का इंक्रीज़ कर देंगे गाइस,
ये जो एलेवन एस दे रहा है इसको मैं हल्का इंक्रीज़ करेंगे, इसको हल्का डिक्रीज कर देंगे गाइस। तो ठीक है, फिर से अब मैं ये कलर बताता हूँ गाइस, ये कलर फेस के लिए है, इसको मैं डिक्रीज़ कर दूँगा, हल्का इनको इंक्रीज़ कर दूँगा। देख सकते हैं आप फेस पे लाइट आ गई ऑटोमेटिक, और हल्का इसको भी डिक्रीज़ कर देंगे। अब मैं कलर के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करूँगा, इसको डिक्रीज़ करेंगे, इसको इंक्रीज़ करेंगे, इसको हल्का डिक्रीज़ कर देंगे, फिर इसको भी सेम प्रोसेस, इसको डिक्रीज़ कर देंगे, इनको इंक्रीज़ कर देंगे, इसको भी इंक्रीज़ कर देंगे, और वही सेम प्रोसेस, इसको भी डिक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, इसको भी इंक्रीज़ करेंगे, इसको भी इंक्रीज़ करेंगे, इसको भी हल्का इंक्रीज़ करेंगे, इसको भी इंक्रीज़ करेंगे, इसको भी इंक्रीज़ कर देंगे गाइस। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, फिर से यहाँ से इसको भी हल्का इंक्रीज़ कर देंगे, हल्का इसको डिक्रीज़ कर देंगे, हल्का ज़्यादा नहीं गाइस। अब यहाँ पे क्लियरिटी पे जाएंगे, यहाँ से क्लियरिटी को हल्का इंक्रीज़ कर देंगे, ज़्यादा इतना कर देना, विजिबिलिटी को भी हल्का डिक्रीज़ कर देंगे, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे सेम, और फिर से अपने शार्पनिंग पे जाएंगे, शार्पनिंग को थोड़ा हल्का इंक्रीज़ कर देंगे, नॉइज रिजेक्शन को भी हल्का इंक्रीज़ कर देंगे, कलर नॉइज रिजेक्शन को भी हल्का इंक्रीज़ कर देंगे। अब देख सकते हैं गाइस, मेरा पहला लुक ऐसा था, अब ऐसा हो गया है, अब देख सकते हैं गाइस। हाँ गाइस, तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा फोटो एडिट करना, तो प्लीज़ भाई को फॉलो करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको मैं शेयर पे जाऊंगा, अब सेव डिवाइस में करूंगा, और ये मेरा फोटो सेव हो रहा है गाइस। तो हाँ गाइस, तो अगर आप भी चाहते हैं इस टाइप का फोटो करना, तो भाई को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, भाई तरह तरह का फोटो अपलोड करते रहते हैं, एडिट करेंगे और इंस्टा पे भी अपलोड करते हैं गाइस। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, ओके बाय बाय।